हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की हर न्यूज़ हम आपको सबसे पहले देते हैं। बहनों, आप जानते हैं देश भर के सभी राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बेहद कम है। इसके अलावा राज्य सरकारें जो है वो बहनों की ड्यूटी अन्य कामों में लगाती है, चाहे वो खाद्यान्न पर्ची मिलान हो या फिर सरकार के द्वारा कोई भी नई योजना हो उसका प्रचार प्रसार हो या फिर चुनाव ड्यूटी हो, अनेक प्रकार के कामों में बहनों की ड्यूटी लगा दी जाती है। इससे बहनें अपने आंगनबाड़ी के कामकाज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती है और उन्हें कम मानदेय के अंदर इतने सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन बहनों, आज बड़ी खबर आ रही है मानदेय को लेकर और आंगनबाड़ी बहनों की अन्य विभागों में ड्यूटी लगाने को लेकर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से यथास्थिति के बावजूद क्यों करा रहे हैं दूसरे कार्य? हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक नोटिस जारी किया था सरकार को और अब उसका जवाब दिया गया है। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से दूसरे काम लिए जाने पर यथास्थिति के बाद भी दूसरे कार्य कराए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। एक अवमानना मामले पर वेकेशन बेंच के जस्टिस संजय द्विवेदी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि बच्चों के कुपोषण को रोकने के लिए ICDS शुरू किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के कुपोषण तथा गर्भवती महिलाओं की देखरेख की जिम्मेदारी भी ICDS के तहत नियुक्त की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की है। बच्चों व महिला के स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने के बावजूद उन्हें अन्य कार्यों का दायित्व सौंपे जाने पर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट व देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया है कि प्रशासनिक स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक आदेश जारी करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सिर्फ ICDS के अंतर्गत काम लिए जाने का कहा था। इसके बाद भी ICDS कार्यकर्ताओं की ड्यूटी BPL कार्ड के सत्यापन के लिए लगाई गई है। इसके खिलाफ संघ ने हाईकोर्ट में पूर्व में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने पूर्व में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। आरोप है कि दूसरे काम करने के आदेश न मानने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सेवा से पृथक किया जा रहा है या फिर उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जो न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना है। मामले पर सुनवाई के बाद वेकेशन बेंच ने याचिका में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को निर्देश दिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। पहले नोटिस दिया गया था, अभी इसका जवाब दिया गया है और अब आंगनबाड़ी बहनों से अन्य विभागों के काम नहीं करवाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसका आदेश जारी कर दिया है। तो बहनों, ये बिल्कुल सही है। आंगनबाड़ी बहनों का पहले से इतना काम होता है बच्चों और महिलाओं के कुपोषण को दूर करना, उनकी देख रेख करना। अगर सरकार उन्हें अन्य कामों में भी लगा देती है तो इससे बहनों का मूल कार्य जो है वो प्रभावित होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों को अन्य कामों में नहीं लगाना चाहिए, ये एक सरकार को भी सोचना चाहिए। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य कामों में नहीं लगाया जा सकता है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।